हेलो दोस्त, इनका नाम चुप गो है, इनकी बेटी का नाम नतल्या है और यह इन दोनों के पड़ोस में रहते हैं। इनका नाम लोमो है, यह चुप गो से उम्र में छोटे हैं। मेरे मित्र, यह मैं किसे देख रहा हूँ? मुझे बहुत खुशी हुई, यह तो एक हैरानी की बात है। मेरे मित्र, तुम्हारा क्या हाल है? आपके धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। और कैसा चल रहा है? बस किसी तरह काम चल रहा है। बैठ जाओ, कृपया बैठ जाओ। तुम्हें अपने पड़ोसियों को भूलना नहीं चाहिए मेरे लाडले। तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? तुम कहीं जा रहे हो मेरे जान? नहीं नहीं मैं केवल आपसे मिलने आया हूँ। तुम ऐसे फॉर्मल ड्रेस क्यों पहने हो? लग रहा है किसी से मिलने जा रहे हो मेरे प्रिय। अच्छा एक बात है, इसलिए आपके पास मैं आया हूँ। मैं आपसे हेल्प मांगना आया हूँ। आप हमेशा मेरी हेल्प किए हैं ना। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। आपको यह बात मैं कैसे बताऊँ? मैं कुछ पानी पीता हूँ पहले। मुझे लगता है वो पैसे उधार लेने आया। उसे तो कुछ भी पैसे नहीं दूंगा मैं। ओह, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। मैं कैसे बताऊँ? जैसे आप देख रहे होंगे कि केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। अरे घुमा फिरा कर बात मत करो मेरे प्यारे, जल्दी उगल दो, कहो। एक पल रुकिए, अभी बताता हूँ। सच्चाई यह है, मैं आपकी बेटी नतल्या का विवाह के लिए हाथ मांगने आया हूँ। क्या कहा? बोलो, दोबारा बोलो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना। मुझे यह कहने में सम्मान महसूस हो रहा है कि मैं लंबे समय से इसकी आशा कर रहा हूँ। मेरी यही इच्छा है कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं अभी नतल्या को बुला कर लाता हूँ। क्या आप समझते हैं कि नतल्या इससे सहमत होगी? क्यों नहीं, निसंदेह मेरे लाडले वो जरूर सहमत होगी। उसे प्यार हो गया है। मैं अधिक समय नहीं लगाऊंगा, मैं उसे बुला कर लाता। बहुत ठंड है, मैं पूरी तरह कांप रहा हूँ, जैसे कि मेरे सामने को परीक्षा हो। मैं सच्चे प्यार को ढूंढने का समय खुद को दे दिया तो मेरा कभी शादी नहीं होगी। नतल्या एक बेस्ट हाउसवाइफ है और देखने में भी अच्छी है। मुझे और क्या चाहिए? मैं पहले ही 35 ईयर्स का हो चुका हूँ। मुझे एक शांत जीवन बितानी है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, वो ओठ कांप भी रहे हैं। आगे क्या होगा? अरे वाह, तुम हो। लेकिन पापा ने कहे कि जाओ, कोई व्यापारी सामान लेके आया है। तुम्हारा क्या हाल है लोमो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हाल है नतल्या? इतने लंबे समय से तुम यहाँ क्यों नहीं आए? बैठ जाओ, तुम क्या दोपहर के खाने में कुछ नहीं लोगे? नहीं नहीं मैं पहले ही कुछ खा चुका हूँ। तो फिर स्मोकिंग कर लो, माचिस वहाँ पे रखी है और मौसम भी तो शानदार हो गया है। लेकिन कल इतनी बारिश थी कि पूरे दिन मजदूरों ने कुछ काम नहीं किया। अरे लेकिन तुम इवनिंग ड्रेस क्यों पहने हो? मैं इतना ही कहूंगी कि तुम देखने में अच्छे लग रहे हो। तुम जानती हो नतल्या, मैं मन बना लिया हूँ कि तुम्हें पूरी बात बता दूं। सचमुच तुम्हें हैरानी होगी या फिर तुम गुस्सा हो जाओगी। क्या बात है, कहो ना। नतल्या, जैसे तुम्हें पता है, मेरा और तुम्हारा परिवार एक दूसरे के फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं और हम लोग एक दूसरे से स्नेहपूर सम्मान भी रखते हैं। और जैसा कि तुम जानती हो, मेरी जमीन तुम्हारी जमीन के बिल्कुल पड़ोस में है। तुम्हें याद होगा कि मेरा ऑक्सन मेडोस तुम्हारी ट्रीज को टच करती है। तुम्हारी बात बीच में काटने के लिए सॉरी। तुमने कहा कि ऑक्सन मेडोस तुम्हारा है, क्या ये तुम्हारा है? दोस्त, ऑक्सन मेडोस उसको कहते हैं जहाँ जानवर घास खाने आते हैं, ग्रेज करने आते हैं। हाँ, ऑक्सन मेडोस तो मेरी है। तुम क्या बात कर रहे हो? ऑक्सन मेडोस हमारी है, तुम्हारी नहीं। नहीं नतल्या, वह मेरी ही है। वाह, मुझे तो यह पहले पता नहीं चला। तुम यह कैसे जानते हो? मैं उन ऑक्सन मेडोस की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे पेड़ों वाले जमीन और झुलसी हुई दलदली जमीन के बीच में पड़ती है। हाँ हाँ, वे हमारी है।
नहीं, तुमसे भूल हो गई है, वह मेरी है। तनिक सोचो, वो कितने टाइम से तुम्हारी है? कितने समय से, जब से मुझे याद आ रहा तब से। सचमुच तुम ऐसा विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। लेकिन नतलिया, तुम डॉक्यूमेंट देख सकती हो, ऑक्शन म्यूडोस एक समय झगड़े का टॉपिक था, लेकिन अब सभी जानते हैं कि वह मेरी है। इसके बाद में तर्क देने का कोई बात नहीं बनता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह मेरी है। मैं नहीं समझती कि इसका बारे में बात करना सही है। मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा नतलिया। नहीं, तुम केवल मजाक कर रहे हो और मेरा मजाक उड़ा भी रहे हो। इतने हैरानी की बात है, हमारे पास यह जमीन लगभग 300 साल से है और अचानक बताया जा रहा है कि यह जमीन हमारा नहीं है। मुझे अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे लिए वह जमीन ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अनुचित बात को सहन नहीं कर सकती। तुम कुछ भी कहो, मैं अन्याय सहन नहीं कर सकती। तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम्हें प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे पिता के दादा और मौसी के लिए ईंट पकाया करते थे। मुझे मौसी और दादियों की कहानी नहीं सुननी है, वह ऑक्शन म्योडोस मेरी है, बस यही बात सत्य है। मेरी है, हमारी है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, किंतु मैं बता देती हूँ, वह जमीन मेरी है। मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए और मैं अपना कोई चीज तुम्हें देना नहीं चाहती हूँ, सुन लिया? नतलिया, मुझे वह ऑक्शन म्यूडोस की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिद्धांत की बातें कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह गिफ्ट में दे दूंगा। मैं खुद तुम्हें वह गिफ्ट में दे सकती हूँ, लेकिन वह मेरी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब है। अब तक हमने सदा तुम्हें अच्छा पड़ोसी और मित्र समझा है, तुम्हारी कितने मदद किए हैं, लेकिन तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मुझे मेरे ही जमीन दे रहे हो? सचमुच यह पड़ोसियों वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो तुम यह कहना चाहती हो कि मैं जमीन छीनने वाला आदमी हूँ? मैडम, मैंने अपने जीवन में कभी किसी दूसरे आदमी का जमीन नहीं हथियाया है और कोई मुझे ब्लेम भी नहीं कर सकता। ऑक्शन म्योडोस मेरी है। यह सत्य नहीं है, वह हमारी है। मेरी है। यह सत्य नहीं है, मैं ये साबित कर दूंगी। मैं अपने घास काटने वाले को आज ही ऑक्शन म्योडोस में भेज दूंगी। क्या? मेरे घास काटने वाले आज ही वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं उन्हें थप्पड़ से मारूंगा। तुम्हारी यह हिम्मत? ऑक्शन म्योडोस मेरी है, समझती हो? मेरी है। चिल्लाओ नहीं, तुम अपने घर में चिल्ला सकते हो, लेकिन यहाँ तुम काबू में रहो। मैडम, अगर मेरा दिल इस तरह धड़क ना रहा होता, अगर मैं अंदर से पूरा का पूरा डिस्टर्ब ना हुआ होता, तो मैं तुमसे अलग तरीके से बात कर रहा होता। ऑक्शन म्योडोस मेरी है। हमारी है। मेरी है। हमारी। मेरी। क्या बात है, तुम लोग किस लिए चिल्ला रहे हो? पापा, इस आदमी को बता दो, ऑक्शन म्योडोस का मालिक कौन है, हम है या ये है? मेरे लाडले, म्योडोस हमारी है। लेकिन चुपको, वे तुम्हारी कैसे हो सकती है? रीजनेबल आदमी बनिए। मेरी मौसी की दादी ने आपके दादों के किसानों को टेम्पोररी बेसिस पर इस्तेमाल करने दिए थे। क्षमा करना माय डियर, तुम ये भूल रहे हो कि यह झगड़ा वाला जमीन है और अब हर कोई जानता है कि वह हमारी है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुमने नक्शा नहीं देखा है। मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि वह मेरी है। तुम यह साबित नहीं कर पाओगे मेरे डार्लिंग। मैं कर दूंगा। डियर, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? तुम चिल्लाने मात्र से कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। मुझे तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना ही मैं उस चीज को छोड़ने का विचार रखता हूँ। जो मेरी है उसे मैं क्यों छोड़ दूँ? और तुम इसी तरह बहस करोगे तो मैं इसे किसानों को दे दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको किसी दूसरे की जायदाद देने का अधिकार कैसे है। तुम यह जान लो कि मुझे यह पता है कि मुझे यह अधिकार है या नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझसे इस तरह की बातें करे, बस। नहीं, आप केवल यह सोचते हैं कि मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूँ और मुझे दबाना चाहते हैं। आप मेरी जमीन को अपनी कहते हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपसे शांति से बात करूं। अच्छे पड़ोसी इस तरह से व्यवहार नहीं करते। आप पड़ोसी नहीं है, आप एक छीना झपटी करने वाली व्यक्ति हैं। क्या है, तुमने क्या कहा? पापा, घास काटने वाले को तुरंत ही न्योडोस में भेज दो। ऑक्शन न्योडोस मेरी है, वो मैं किसी को नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं देख लूंगा, मैं इस मामले को कोर्ट में ले जाऊंगा।
और फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगा। कोर्ट? हाँ तुम कोर्ट जा सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें तो केवल कोर्ट जाने का मौका ही तलाश रहता है। अरे चालबाज, तुम्हारे परिवार के सारे लोग वैसे ही हैं, सब के सब। मेरे परिवार के लोगों की चिंता मत करो। तुम्हारे परिवार के सारे लोग पागल रहे हैं। हाँ सब लोग, तुम भी पागल हो। तुम्हारा दादा एक शराबी था और भी बहुत कुछ है। और आपकी माँ कुबड़ी थी। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, बचाओ पानी। तुम्हारा बाप एक लालची जुहारी था। और चुगली करने में तुम्हारा मौसी का बराबरी कोई नहीं कर सकता। ओ मेरा लेफ्ट पैर शांत हो गया, हिल भी नहीं रहा, मुझे तारे दिख रहे हैं। यह घटिया बात है, बेईमानी है। और तुम दो चेहरे रखते हो, दिखाते कुछ हो और असल में कुछ और हो। मेरा दिल हो किस और जाऊं, दरवाजा किधर है। ओ मेरा विचार से मैं मर रहा हूँ, मेरा पांव बिल्कुल सुन्न हो गया है। मेरे घर में दोबारा पाँव मत रखना। यह मामला कोर्ट लेके जाना, मैं देख लूंगी। शैतान उसे ले जाए कहीं। इतना दुष्ट आदमी है, इसके बाद क्या कोई अपने पड़ोसियों पे भरोसा करेगा? दुष्ट चिड़ियों को डराने वाला स्टैच्यू। राक्षस पहले हमारी जमीन ले लेता है, फिर वह हमें गालियां देने का हिम्मत करता है। वो अंधी मुर्गी जैसा है, वो सलगम जैसा है, उसे शादी करना है, बेकार आदमी। कैसा शादी? हाँ वह तुमसे शादी करने का ऑफर लेके आया था। शादी का ऑफर मेरे लिए? आपने क्यों नहीं बताए? इसलिए तो वह ऐसे कपड़े पहन के आया था, आलू का समोसा झुरियों चेहरा वाला। मुझसे वह शादी करना चाहता था। हाय उसे वापस ले आओ। किसे यहाँ लेकर आऊँ? जल्दी करो, मेरा हालत खराब है, उसे लेकर आओ। क्या है, तुम्हें क्या हो गया है? ओ मैं कितना दुखी आदमी हूँ, मैं अपने आप को गोली मार लूंगा, मैं खुद को फांसी लगा लूंगा, उसके वजह से हम बर्बाद हो गए हैं। मैं मर रही हूँ, उसे लेकर आओ ना। जा रहा हूँ अभी तुरंत। उसे वापस लेकर आओ, लेकर आओ। वो आ रहा है, उसे शैतान ले जाए, उससे खुद बात कर लेना तुम। उसे लेकर आओ। वो आ रहा है, मैंने तुमसे कहा तो। कितनी बड़ी मुसीबत है एक जवान लड़की का पिता होना, मैं अपना गला काट लूंगा। सचमुच मैं ऐसा करूंगा? हमने उसे गालियां दिया, बाहर भगा दिया, ये सब तुम्हारे कारण हुआ नतल्या? नहीं, ये आपके कारण हुआ है। मैं तुमसे कह देता हूँ, इसमें मेरा दोष नहीं है, अब तुम खुद ही उससे बात कर लेना। मेरा दिल भयानक रूप से धड़क रहा है, मेरा पांव सुन्न हो गया है। हमें माफ कर दो, हम थोड़े गुस्से हो गए थे। मुझे अब याद आया, ऑक्शन मियोडोस अब तुम्हारी है। मेरा दिल भयानक रूप से धड़क रहा है, ऑक्शन मियोडोस। हाँ हाँ मियोडोस तुम्हारी है, बैठ जाओ, हम गलत थे। मैं सिद्धांत के कारण ऐसा कर रहा हूँ, उसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ सिद्धांत बिल्कुल ऐसा ही है, आओ हम कोई और बात करते हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मेरे पास सबूत है। हाँ छोड़ो इस बात को, काश मुझे पता होता उस पर बात कैसे करूँ। क्या तुम शिकार पर जाना शुरू करने वाले हो? मैं सोच रहा हूँ कि फसल काटने के बाद जाऊँ। ओ क्या तुमने सुना है कि मेरा कुत्ता लंगड़ा हो गया है? कितनी दुख की बात है, कैसे हुआ? मैं नहीं जानता, हो सकता उसकी टांगे मुड़ गई होगी या किसी दूसरे कुत्ते ने काट लिया हो। मेरा सबसे अच्छा कुत्ता, उस पर खर्च की बात मत करो, मैंने 25 रूबल खर्च किए हैं उस पर। यह तो बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत सस्ता है क्योंकि वह बेस्ट ब्रीड का कुत्ता है। पापा ने अपने एक्सक्यूजर के लिए 25 रूबल दिए थे, जो कि तुम्हारा कुत्ता तगेस से ज्यादा अच्छा है।
स्क्वीजर गैस से बेहतर है? क्या सोच है, स्क्वीजर गैस से बेहतर है? निस्संदेह वह बेहतर है। जहाँ अन्य कुत्तों की बात है, स्क्वीजर अच्छा है। नतलिया, तुम भूल रही हो कि उसका जबड़ा ऊंचा है, और जबड़ा ऊंचा होने का मतलब है कि कुत्ता घटिया शिकारी है। ऊंचा जबड़ा, क्या वह ऐसा है? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उसका नीचे वाला जबड़ा ऊपर से छोटा है। क्या तुमने इसे माप कर देखा है? हाँ, पीछा करने के लिए वह बिल्कुल सही है। क्या तुम इसे कोई चीज पकड़वाना चाहती हो? पहली बात, हमारा कुत्ता हार्नेस और जिसलेस का बेटा है, जबकि तुम्हारा कुत्ता का नस्ल का पता नहीं। वह बूढ़ा कुत्ता है। वह बूढ़ा जरूर है, लेकिन मैं उसे 5 स्क्वीजरों के बदले में भी नहीं दूंगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? आज तुम्हारे अंदर लड़ाई करने का भूत घुसा हुआ है क्या? पहले तुमने यह कहा कि यह जमीन तुम्हारा है, फिर यह कह रहे हो कि तुम्हारा कुत्ता बेहतर है। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती हूँ जो कहते कुछ हो और उसका अर्थ और होता है। मेरे विचार से नतलिया, या तो मुझे तुम अंधा समझती या फिर मूर्ख। तुम्हें अब पता होना चाहिए कि स्क्वीजर का जबड़ा ऊंचा है। यह सत्य नहीं है। वह ऊंचे जबड़े वाला है। यह बिल्कुल सच नहीं है। क्यों चिल्ला रही हो मैडम? तुम बकवास क्यों कर रहे हो? इस समय तक तो तुम्हारे कुत्तों को गोली मार देना चाहिए था। तुम उसका कंपेयर मेरा कुत्ता से कैसे कर रहे हो? मुझे क्षमा करो, मैं इस बहस को जारी नहीं रख सकता। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। मैंने देखा है कि ऐसे लोग ज्यादा बहस करते हैं जिन्हें कम ज्ञान होता है। मैडम प्लीज चुप हो जाओ, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होने वाला है। खामोश हो जाओ। मैं जब तक खामोश नहीं होंगी, जब तक तुम इसे सच नहीं मान लेते। तुम्हारे कुत्ते को फांसी पर लटका देना चाहिए। तुम्हारा कुत्ता को लटकाने का जरूरत नहीं, वो पहले से आधा मरा है। शांत हो जाइए, मेरा दिल फटा जा रहा है। मैं बोलना बंद नहीं करूंगी। अब क्या बात है? पापा, सच सच बताओ कि कौन सा कुत्ता बेहतर है, हमारा स्क्वीजर या उसका गैस? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि स्क्वीजर का जबड़ा ऊंचा है या नहीं है। अरे मान लो उसका जबड़ा ऊंचा है तो उससे क्या अंतर क्या पड़ता है? इतना होते हुए भी वह सबसे अच्छा कुत्ता है। लेकिन क्या मेरा गैस बेहतर नहीं है? खुद को एक्साइटेड मत करो माय डियर, मेरी बात सुनो। तुम्हारा गैस अच्छा है, लेकिन उसमें 2 प्रॉब्लम है। पहला कि वो बूढ़ा है, और दूसरा उसका जबड़ा छोटा है। आपको याद होगा कि शिकार के समय मेरा कुत्ता 2 किलोमीटर आगे निकल गया था आपके कुत्ता से। वो पीछे इस कारण रह गया था कि काउंटर के चाबुक मारने वाले ने उसे चाबुक मार दिया था। और ऐसा करने का कारण था कि सभी कुत्ते एक लोमड़ी के पीछे थे, और स्क्वीजर ने एक भेड़ का पीछा करना चालू कर दिया था। यह सत्य नहीं है। मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, इसलिए हम बहस करना बंद करते हैं। बहस तुमने स्टार्ट किया था, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे के कुत्ते से ईर्ष्या करता है। कोई परफेक्ट नहीं होता है, मुझे हर बात याद है। मुझे भी याद है। मुझे भी याद है कि तुम्हें क्या याद है। मेरा दिल, मेरा पांव, सब सुन हो रहा है। तुम किस तरह के शिकारी हो? तुम्हें तो कीचड़ के चूल्हे पर बैठ जाना चाहिए। हाँ सचमुच, तुम्हें अपने तेज धड़कन के साथ अपने घर में बैठना चाहिए। तुम शिकार में जा सकते हो, लेकिन तुम केवल बहस ही करना चाहते हो। तो क्या आप शिकारी हैं? आप एक षड्यंत्रकारी हैं। क्या मैं एक षड्यंत्रकारी हूँ? बकवास बंद करो। षड्यंत्रकारी? छोकरा, कुत्ते का बच्चा, बूढ़ा चूहा, ढोंगी आदमी है आप। बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मूर्ख कहीं का। हर कोई जानता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें पीटा करती थी। तुम्हारी नौकरानी तुम्हें अपने जूतों के नीचे रखती। या मेरा दिल फटा जा रहा है और अलग हो रहा है। मैं मर रहा हूँ, डॉक्टर को बुला। छोकरा पागल बीमार। तुम किस तरह के शिकारी हो? तुम तो घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते हो। पापा, उसे क्या हो गया है? उसे देखिए, वह मर गया है। क्या वो मर गया? कोई डॉक्टर को बुलाओ। वो मर गया क्या? कोई डॉक्टर को बुलाओ।
मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मुझे गोली मार दो। मैंने अभी तक अपना गला क्यों नहीं काट लिया? मैं किस बात का इंतजार कर रहा हूँ? मुझे कोई चाकू दे दो या फिर कोई गन दे दो। वह मर गया, देखो तो। मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं, मुझे बादल और ये फॉग भी दिख रहे हैं। मैं कहाँ हूँ? मैं मर गया हूँ क्या? जल्दी उठो और शादी कर लो। मैं अपनी बेटी का हाथ देता हूँ, मैं अपना आशीर्वाद भी देता हूँ, लेकिन बस मुझे आराम से रहने दो प्लीज। क्या, कैसे? वह तैयार है। ठीक है तो जल्दी शादी कर लो। वह जिंदा है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी हैप्पी हूँ। मेरे कंधों से कितना बड़ा बोझ उतर गया। लेकिन अभी आप ये मानोगे कि आपका गैस मेरे स्क्वीजर से घटिया है? नहीं, मेरा स्क्वीजर बेहतर है। हाँ, घटिया है। ठीक है, तुम्हारे जीवन की आनंद की यह भी एक अच्छा तरीका है। चलो कुछ शैंपेन पीते हैं। मेरा कुत्ता बेहतर है। घटिया है, घटिया है, घटिया है। शांत शांत, चलो शैंपेन पीते हैं। मेरे ख्याल से तीनों लोग पागल थे, लेकिन स्टोरी बहुत मजेदार थी। क्या कहा तुमने?